नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। विरोधी दल कान खोल के सुन रहे, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है, वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 2019 के चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर पार्टी की नज़र यूपी पर टिकी हुई है। हो भी क्यों ना, यूपी ही एक ऐसी स्टेट है जहां से 2019 में प्रधानमंत्री की गद्दी का रास्ता साफ होगा। यूपी की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यूपी से चुनाव लड़ते हैं। यूपी को साधने के लिए जहां एसपी और बीएसपी ने अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इकट्ठे चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यूपी की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप दी है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है। असल में कांग्रेस और एसपी बीएसपी अलायंस की नज़र पूर्वी यूपी की उन पांच बड़ी सीटों पर है जिनमें से ज़्यादातर सीटें भाजपा के पास हैं। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 के चुनावों में इन पांच सीटों में से तीन सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, जिनमें से वाराणसी की वो सीट भी शामिल है जिससे प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। और वहीं आंकड़ों से पता चलता है कि एसपी और बीएसपी का वोट शेयर काफी वोलेटाइल है, यानी अक्सर खिसकता रहता है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2009 और 2014 के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ये सारी जानकारी प्राप्त की है। तो चलिए बताते हैं आपको यूपी की इन पांच बड़ी सीटों और उनके गणित के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जो पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है। आंकड़ों की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर काफी बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में एसपी और बीएसपी के वोट प्रतिशत में 2009 के मुकाबले काफी गिरावट आई थी। बीएसपी का वोट प्रतिशत 67% और एसपी का वोट प्रतिशत 63% के आसपास गिरा था, जबकि भाजपा के वोट शेयर में 186% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन वाराणसी में भाजपा अकेली पार्टी नहीं थी जिसका वोट शेयर बढ़ा था। भाजपा के अलावा वाराणसी में कांग्रेस के वोट शेयर में भी 2009 के मुकाबले 14% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद 2019 में ये सीट भाजपा के लिए सेफ नज़र आ रही है, क्योंकि डेटा की बात करें तो एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी पीएम मोदी को इस सीट पर टक्कर नहीं दे पा रहा। दूसरी सीट है मिर्जापुर। ये सीट भी भाजपा के जोड़ीदार अपना दल के पास है, जहां से सिटिंग एमपी है अनुप्रिया सिंह पटेल, जो फिलहाल यूपी की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। 2009 के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीएसपी को 2014 में 9% वोट ज्यादा मिले थे, वहीं एसपी को 50% वोट शेयर का नुकसान हुआ था। भाजपा के वोट शेयर में 2009 के मुकाबले 2014 में 34% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर ने इस सीट पर 2014 में काफी ऊंची छलांग लगाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 172% बड़ा था। आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर एसपी और बीएसपी भाजपा को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन जीतने के लिए उसे कांग्रेस के हाथ की जरूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तीसरी सीट है यूपी की चंदौली लोकसभा सीट। इस सीट पर काबिज है यूपी भाजपा चीफ और स्टेट एचआरडी मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। आंकड़ों की ही बात करें तो एसपी और बीएसपी दोनों के वोट प्रतिशत में 2009 के मुकाबले 2014 में 13% और 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कांग्रेस को जहां इस सीट पर 72% वोटों का नुकसान हुआ था, तो वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत 444% बड़ा था। लेकिन फिलहाल एसपी और बीएसपी के गठबंधन से इस सीट पर भाजपा को खासी चुनौती मिल सकती है। चौथी सीट है आजमगढ़ सीट, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि इस सीट से एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2009 के मुकाबले 2014 में इस सीट पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 12% के आसपास बढ़ा था। आजमगढ़ सीट उन दो सीटों में से एक है जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ था। इस सीट पर कांग्रेस को 2009 के मुकाबले 2014 में 42% कम वोट पड़े थे। वहीं एसपी और बीएसपी की बात करें तो 2014 में एसपी का वोट शेयर 175% और बीएसपी का 34% बड़ा था। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो फिलहाल ये सीट एसपी और बीएसपी गठबंधन के लिए पूरी तरह सेफ है।
पांचवी और आखिरी लोकसभा सीट है खुशीनगर लोकसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के राजेश पांडे सांसद है और ये सीट प्रियंका गांधी के करिश्मा के लिए एक बड़ा टेस्ट साबित होगी। 2014 में भाजपा के राजेश पांडे को टोटल वोटों में से 39% वोट मिले थे, जो 2009 के मुकाबले 128% ज्यादा थे, जबकि कांग्रेस के आरपीएन सिंह को 2009 के मुकाबले 27% वोट ज्यादा पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राजेश पांडे से 85,000 कम वोट मिले थे। एसपी का वोट शेयर जहां 2009 के मुकाबले 101% बड़ा था, तो वहीं बीएसपी के वोट शेयर में 34% की सेंध लगी थी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि एसपी और बीएसपी की मदद के साथ कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। तो ये था पूर्वी यूपी की 5 लोकसभा सीटों का गणित, जिन पर आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टियों की खास नजर रहेगी।